नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्काईटेक न्यूज के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जीरोधा का एक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर कैसे प्लॉट करते हैं इसके बारे में जानने वाले। दोस्तों, बहुत बेसिक सी वीडियो, लेकिन जो बिल्कुल नए उनके लिए ये काफी फायदेमंद हो सकती है। बहुत सारे जो नए यूजर्स होते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है, वो ये जो इंडिकेटर है कैसे प्लॉट करना है इसके बारे में नहीं जानते। सिंपली दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है आपका जो प्रोफाइल वाला आइकन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और सेटिंग के अंदर जाके आपको नीचे सबसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई दिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको कंफर्म करना है आपका यहाँ पे चार्ट IQ सिलेक्ट होना चाहिए आपका। अगर यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू सिलेक्ट होगा तो आप इस इंडिकेटर को प्लॉट नहीं कर पाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पे चार्ट IQ को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से बैक कर लेना है। जैसे बैक करते हैं आप वॉच लिस्ट के अंदर आते हैं, तो आप चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी चार्ट चाहे आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम निफ्टी 50 को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे निफ्टी 50 को सिलेक्ट कर लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट जो है हमारा लोड हो रहा है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंडिकेटर प्लॉट कर रखा है। आपको सिंपली यहाँ से FX के अंदर जाना है, यहाँ पे सर्च करना है RSI, आप चाहे RSI डाइवर्जेंस। यहाँ से जैसे टाइप करते हैं आप देख सकते हैं आपके सामने ये वाला जो इंडिकेटर आ रहा है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके सेटिंग के अंदर दोस्तों कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, और इसे हम थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डाइवर्जेंस हमें दिखाई दे रहा है, यही RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर है। आपको यहाँ पे जो ग्रीन वाली लाइन शो कर रही है दोस्तों, यहाँ पे हम इसे बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। और यहाँ से थोड़ा हम पीछे चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ये जो रेड वाली लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे RSI नीचे के साइड में जा रहा है और प्राइस यहाँ पे ऊपर के साइड में जा रहा है। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस बना, मार्केट में हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला। दोस्तों, RSI डाइवर्जेंस के ऊपर हम जल्दी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाला है। तो सिंपली दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने बताया कि जीरोधा काइट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको RSI डाइवर्जेंस इंडिकेटर कैसे प्लॉट करना है इसके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।